सरसिकाल जी, हरजोत कौर एक बारी फिर हाजिर है जी। आज फिल्म देखी है दुल्ला पट्टी। सो दुल्ला पट्टी का रिव्यू लेके हाजिर हूं मैं। आई मीन दुल्ला पट्टी, वैसे नाम तो मूवी का यही है पर फिल्म दे विच क्या था यही है कि दुल्ला पट्टी दी लाइफ दे नाल कुछ इंसिडेंट जड़े ने रिलेटेड ने। हां, कुछ इंसिडेंट रिलेटेड ने। सो नाम जड़ा बड़ा कैची है दुल्ला पट्टी, हर एक का दिल करता है कि भाई मूवी देखने जाना है। तो सोने तो सुहागा है बिन्नू ढिल्लों का इस दे विच होना। ते बस ये दो चीजा का कॉम्बीनेशन ते इस सुमेल दे नाल फिर फिल्म देखनी तो बनती सी। फिल्म देखी तो फिल्म की कहानी दसनी भी बनती है। हम तो फिल्म की कहानी इदा जी कि एक शरारती जा गभरू, पहला बचपन भी दिखाया गया है, बड़ा प्यारा जा बचपन है, पर ये जदों गभरू हुंदा है तां शरारती जा मुंडा है, हर किते पंगे लैके आ जांदा है, कबड्डी खेलदा है, बहुत सोहना उच्चा लम्मा गभरू है। पर उदों तक ही हसियां खेडियां चलदियां जदों तक उस मुंडे नूं ये नहीं पता लगता कि उहदे प्यो नूं कतल कीता गया सी। तो बस फिर इतों शुरू होंगी है कतल का बदला लैण की कहानी। तो यह बदला किवें लिया जाता है, किस जरिए लिया जाता है, यह कहानी है जी कुल मिला के दुल्ला पट्टी की। सो जो असं सुंदर मुंदरीए हो दुल्ला पट्टी वाला हो करते हैं उस दे नाल बहुत ही मेल नहीं खाती, कितने कितने मेल जरूर खाती होगी। सो गल करते हैं हम फिल्म के किरदारों की। सब तो पहला एक्ट्रेस की गल कर ली जाए, खास USP जो है इस फिल्म की बिन्नू ढिल्लों। अपनी जिन्ना भी इन्हों किरदार जिन्ना भी काम मिलिया बहुत बखूबी निभाया, पर मैं इतने ये कहूँगी कि जिन्ना मिलिया उन्ना निभाया। बिन्नू ढिल्लों तो होर बहुत कुछ एक्सपैक्ट किया जाता है, इस तो वध के एक्सपैक्ट किया जाता है। ये नहीं कह रहे कि ये फिल्म नहीं नहीं ठीक नहीं है या बिन्नू ने अपना किरदार सही नहीं निभाया, बहुत सही निभाया पर इस तो ज़्यादा सही हो सकता सी। सो बिन्नू तो बाद गल करते हैं जी अमर नूरी जी की। अमर नूरी जी वाओ, बहुत बेहतरीन किरदार निभाया एक माँ का। जे कि वाकई दुल्हे की माँ होंगी तो वह इदा दी ही होंगी, ये वाकई इस दिखाया गया अमर नूरी के किरदार के जरिए। BN शर्मा की जो गल करिए जान पा दिती है जी, रब करे सबनों यहोजा चाचा तो जरूर मिले जी, इदा का प्यारा चाचा, हर प्यार की गल दिल की गल जानने वाला, प्यार करने वाला यहोजा चाचा। बहुत बखूबी इन्होंने किरदार निभाया अपना। सरदार सोही की जो मैं गल करा, वाओ इन्ना डेंजरस विलन बहुत अच्छा निभाया, खासकर स्क्रीन प्ले डायलॉग्स इन्होंने लिखे ने वह भी बखूबी लिखे ने। इस तो अलावा मलकीत सिंह होर भी अमन हिंदल बहुत कैरेक्टर ने जी होर इस फिल्म के जिन्होंने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए ने। खासकर निर्मल ऋषि जी की जो गल करा, होर भी छोटे छोटे किरदार ने जिन्होंने मिल के ये मूवी बनी है, उन्होंने सब ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए ने, पर कमी रह जाती है कितना कितने निर्देशन के। जी हाँ, निर्देशन ने इस फिल्म नू थोड़ा जा खराब कर दिता, थोड़ा जा, क्योंकि जो निर्देशन जिदे विच थोड़ी थोड़ी कमियां हर जगह ते रह गई, कितें कितने कमी सी कदे कितने कमी सी, अजीब अजीब जिहियां कमियां रह गई, वह हैरान करन वालियां सी कि छोटी छोटिया गल्लां ने इन्हां वल ध्यान क्यों नहीं गया। एक आम जे ऑडियंस दे विचों इंसान का कोई किसी का भी ध्यान इस ते जा सकता है, पर डायरैक्टर का क्यों नहीं पिया, ये गल हैरान करन वाली सी। सो कुल मिला के फिल्म नू बिन्नू ढिल्लों, BN शर्मा ते सरदार सोही ने सांभ लिया। म्यूजिक लाजवाब है जी, फिल्म का सुनने वाला है, टैपिंग है, फुट टैपिंग होंगी रहती है इस दे म्यूजिक दे नाल। सो कुल मिला के देखिए ता फिल्म ठीक ठाक है, देखनी बनती है बिन्नू ढिल्लों दे लई। सो अगली मूवी का रिव्यू लेके छेती हाजिर होवांगी। चिल्ड्रन हंसते रहो, वसते रहो, ते बस मेरे रिव्यू सुनते रहो। सत श्री अकाल जी।